बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है, जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी में। देखते हैं कि किस टीम का बिजनेस मॉडल जीतेगा इन्वेस्टर्स का दिल और कौन सी टीम को मिलेगी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। सायरी एक एंजल इन्वेस्टर हैं और कई बड़ी कंपनियों की बोर्ड मेंबर भी हैं, जिनमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी शामिल है। बिजनेस टुडे के मुताबिक सायरी इंडियन बिजनेस की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक हैं। अर्बन कंपनी के को फाउंडर अभिराज आईआईटी कानपुर और आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया है। तो सबसे पहले जजेस के सामने अपने रॉकिंग आइडिया को पेश करने वाली है टीम द स्पीकर्स। पांच मेंबर की टीम स्पीकर्स बनाते हैं एक अफोर्डेबल ब्लूटूथ स्पीकर। यशन टीम के इस आइडिया को सपोर्ट मिला दिल्ली सरकार की स्कीम का, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए दिल्ली सरकार दे रही है सीड मनी। ब्लूटूथ स्पीकर्स के कंपोनेंट की स्टडी ऑनलाइन की और होलसेल मार्केट से सारे पार्ट्स लिए, जिससे फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके। स्कूल में सीखा प्रॉफिट लॉस का लेसन काम आया और जब मार्केट में गए तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने इन्हें कुछ नया सिखाया। स्पीकर्स की केसिंग प्लास्टिक की बजाय वुडन है, जिससे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पीकर्स की टीम का कहना है कि जब उन्होंने सीड मनी से इतना किफायती और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट मिलेगा तो वो इसे एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनकी टीम हमारे इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करके उनसे फंड्स ले पाती है या नहीं। हेलो सर, हमारे ग्रुप का नाम है स्पीकर्स। हमारा काम है चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स को प्रोड्यूस करना। मेरा नाम है यश गुप्ता और मैं इस ग्रुप में अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ और दूसरा मेरा काम लीडर का है। हेलो सर, मेरा नाम सुजय सिंह है और मेरा काम है रॉ मटेरियल डिसाइड करना कि हमारे स्पीकर में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगाने हैं और साथ में मैं रॉ मटेरियल परचेज भी करता हूँ। मेरा नाम सूर्य है और मैं केसिंग एंड असेंबलिंग मैनेज करता हूँ। मेरा नाम खुशी है, मेरे साथ एक मेंबर और है विदिशा, हम दोनों मिलकर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का काम संभालते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12। आपने ये नहीं सोचा कि ये हम तो पढ़ के तो नौकरी करना चाहते हैं, ये कहाँ से 1,000 रुपये 2,000 रुपये सरकार देगी, फिर बिजनेस आइडिया लाओ, हमें तो थोड़ा किताबें रटने दो ना। सर, आजकल हम पढ़ के नौकरियों की लाइनों में लग जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, तो हम चाहते हैं हम जॉब प्रोवाइडर्स बने। आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर मिला कि आप अपना कोई बिजनेस आइडिया लेके आइए, स्पीकर ही क्यों? सर एक्चुअली हम अभी लॉकडाउन के फेज से आए थे,
तो उसमें हमने फेस किया था कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें हम ईयरफोन्स का यूज़ करते थे, 6 आवर्स की क्लास भी लेते थे तो हमारे ईयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता था। अच्छा है, आइडिया ठीक है, पर इसका फ्यूचर है कुछ, मतलब yes, आपको लग रहा है इसका कोई फ्यूचर है? सर एक्चुअली हम इसमें वारंटी भी दे रहे हैं जो कि आपको अमूमन इतनी कॉस्ट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। शुरू में हमने कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए थोड़ा प्राइस भी कम रखा है जिससे कि कस्टमर हमारे स्पीकर परचेस करें, और जिन्होंने पहले का स्पीकर परचेस भी किए थे तो उन्होंने और भी हमें ऑर्डर दिया है कि हमारे लिए 2-3 स्पीकर और बना दो। इंटरेस्टिंग है। और हमने इसका लो कॉस्ट इसलिए रखा ताकि हमारा स्पीकर हर घर में जाए। सर मेनली से मोनोपोली क्रिएट करना कहते हैं मार्केट में। सर पहले आप कस्टमर का ट्रस्ट लीजिए, उसको यूज़ करने दीजिए अपने प्रोडक्ट को, जब उसको आदत हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज कीजिए तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहेगा और आपका कंपनी भी सेटल हो जाएगी। आपने केवल वुड का प्रयोग इसमें क्यों किया? वुड लगाने सर साउंड की क्वालिटी भी अच्छी आती है सर, यही स्पीकर हम किसी प्लास्टिक में लगाते हैं तो सर ऐसी क्वालिटी नहीं आती। और सर हमारा मेन मकसद भी यही था कि मतलब कि हम किसी एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में 3 लाख बच्चों ने 51,000 आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया है और सरकार की ओर से उनको 60 करोड़ रुपये का फंड मिल रहा है। आप लोग इस बिज़नेस को आगे ले जाना चाहते हो? हमारे साथ में 2 लोग हैं जो अपना अपना बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो अगर आप उनको कन्विंस कर पाओगे कि भाई हमारा आइडिया अच्छा है और हम अच्छा करेंगे तो हो सकता है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, आपका आइडिया एकदम बढ़िया है। थोड़ा मुझे प्राइसिंग बताइए, कितने का है आपका स्पीकर्स और इनपुट कॉस्ट क्या है? मैम 299 का हम स्पीकर्स को सेल करते हैं और मैम इनपुट कॉस्ट हमारा 250 के आसपास मैम लग जाता है बनाने में। इसको आप और कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अभी तो 4 लोग हैं आप, कितने स्पीकर बना सकते हैं आप? मैम अभी तो हम 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं, मेनली हम इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे जैसे अभी हमने अपने सबके डिपार्टमेंट डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि इस जगह के पास परचेसिंग का डिपार्टमेंट है तो ये अपनी आगे टीम और बनाएंगे, अपने साथ 1 या 2 लोगों को और ऐड करेंगे, मे बी इनके फ्रेंड्स हों या कोई और हों। मैम ऐसी हमारी सारी टीम्स बनती जाएंगी, 5 टीम्स बनेंगी अलग अलग। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आप लोग को? अभी तो हमने 80,000 का लगाया। और वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी? मैम अभी फर्स्ट तो हम 250 बनाएंगे जिसमें हमारा 70,000 की कॉस्ट है, एंड 10,000 हमने रिजर्व के लिए रखे हैं। स्टार्टिंग में हम 2 टाइप के स्पीकर रखने वाले हैं, विद एम्पलीफायर एंड विदाउट एम्पलीफायर। जिसकी मार्केट में ज़्यादा अप्रोच होगी, ज़्यादा बिकेंगे, उसको हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और फिर हम कस्टम स्पीकर्स बनाएंगे, जैसे किसी को चाहिए कि नहीं हमें स्पीकर्स जो है उसका वॉट ज़्यादा चाहिए या फिर हमें 2 स्पीकर लगा के दो, तो हम उनके ऑर्डर लेंगे उस हिसाब से, जैसा उनको स्पीकर चाहिए वैसा स्पीकर बना के देंगे उनको। मैं चाहता हूँ आप मुझे इस प्रोडक्ट का एक डेमो दें। यस सर। दिस इज़ वेरी वेरी गुड साउंड क्वालिटी। थैंक यू सर। क्लियर, क्या है इसकी बैटरी लाइफ, कब तक ये चल सकता है विदाउट चार्जिंग? सर 15 आवर तक चल जाएगा, 2300 mAh की हमने इसमें बैटरी डाली और सर 3 वॉट का स्पीकर है। अगर सर कस्टमर चाहता है कि हमें ज़्यादा साउंड चाहिए तो सर जो हमारा मॉड्यूल है 5 वॉट तक के स्पीकर सपोर्ट करता है। अभी जो आपके स्पीकर यूज़ कर रहे हैं कौन यूज़ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं? मैम स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। मैम जो गार्ड होते हैं तो उनको रात भर ड्यूटी होती है, तो कई बार उन्होंने बोला था कि हमें रात को नींद आने लगती है, और लगभग 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। जिसको भी हमने बेचा उसके बाद मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, 1 वीक के बाद उनको कॉल करके पूछा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें भी थोड़ी बहुत मतलब शिकायतें भी मिली तो हमने उस पर काम भी किया और उसको हमने कॉन्क्योर भी किया। सो मैं 2 चीज़ें कमिट कर रही हूँ आपको, एक इनिशियल सीड फंडिंग ऑफ 20,000 रुपीज़ कमिट कर रही हूँ, और दूसरा कमिट कर रही हूँ कि आप एज सून एज अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुँचते हैं तो फिर आपके लिए और मेंटरशिप और सपोर्ट वो हम ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू। सो आपको 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? यस सर। और साथ साथ में एक तरह से बिजनेस कोच। तो आपके जो फर्स्ट टारगेट है 250, यस सर, ये एक अच्छा टारगेट आपने लिया है, इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, तो उसके लिए जो आपका डेफिसिट 60,000 रुपीज़ की आपको फंडिंग चाहिए वो हम आपको कमिट करते हैं एज अ ग्रांट। थैंक यू। थैंक यू। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप इसका जो वर्जन 2 है, यस सर, उसको एक सॉलिड प्रोडक्ट मार्केट में हम लॉन्च करें। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आए, वहाँ हमारे कुछ डिज़ाइनर्स से मिले, वो आपको मेंटर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हम भी हमारी सर्विसेज में ब्लूटूथ स्पीकर्स का यूज़ करते हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो अगर आपका वो 250 जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए उसका फीडबैक अच्छा आया, यस सर, तो हो सकता है हम एज अ कंपनी भी आपको एक ऑर्डर प्लेस कर दें जो स्पीकर्स हम यूज़ करते हैं हमारे सर्विसेज में। सो ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपको 20,000 सैरी से मिल गया और 60,000 इनसे मिल गया अभिराज से, तो आपको 80,000 मिल गया, 80,000 चाहिए था ना? यस सर। और कोचिंग अलग से मिल रही है? यस सर। खुश? यस सर। खुश हुई? यस सर। कितनी? बहुत ज़्यादा। यस सर, बहुत खुश। सर हम सब आपको मिलके थैंक यू बोलना चाहते हैं सर, अगर आप हमको सीड मनी नहीं देते तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँच पाते सर। प्राउड ऑफ यू। आप लोगों की 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो आप
खासतौर से आपके स्कूल के बच्चे, उनके लिए सोच रहे हो, बहुत महंगे महंगे स्पीकर नहीं खरीद सकते, बच्चे हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सजग हो। और तीसरा, जो खुशी ने भी कहा कि नौकरी ढूंढने वाला क्यों बनना है, नौकरी देने वाला बनेंगे ना, तो सरकारी स्कूल से वो लोग निकलेंगे जो नौकरी मांगेंगे नहीं, नौकरी देंगे। पक्का? यस सर। अस्सी हजार की इन्वेस्टमेंट पाने के बाद हमें यकीन है स्पीकर्स के स्पीकर्स को अच्छा अपग्रेड मिलेगा। गुड लक स्पीकर्स। जब स्टार्टिंग में सीट मनी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, तब हमें ऐसे ही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट लेवल तक ही सीमित रहेगा, हमें अभी मिला है, हमें पूरा करने के बाद, टारगेट अचीव करने के बाद सब खत्म हो जाएगा। बट आज हमें इतनी बड़ी अमाउंट मिली है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए आगे का करियर ऑप्शन बन गया है। और पहले का जो हमारा माइंड सेट था, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। I like their product. It's a very simple product. It's very durable, easy to use. And even though the price is low, they've done it in a way that it's profitable. So that shows the focus on profits. आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बच्चों में एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने वाला ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। अब आ रही है हमारी दूसरी टीम। Let's go green with Hebi Naturals। ये है Hebi Natural का होममेड कॉम्पोस्ट। Hebi Naturals में हर्ष और उनकी टीम का एक ही मकसद है, नेचर पर पड़े बुरे असर को खत्म करना और जितना हो सके आसपास ग्रीन फैलाना। इसीलिए उन्हें कॉम्पोस्ट बनाने का आइडिया आया। अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और स्किल्स के साथ हर्ष और उनकी टीम लग गई इस आइडिया को बिजनेस में डेवलप करने के लिए। इस काम में उन्हें सबसे बड़ी मदद मिली दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सीड मनी से, जिससे हर्ष और उनकी टीम ने न सिर्फ रिसर्च की, बल्कि कॉम्पोस्ट बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बकेट और अर्दन पॉट मेथड यूज किया, जिसमें कॉम्पोस्ट 20 से 22 दिनों में बनके तैयार हो जाता है। Hebi Naturals का ये होममेड कॉम्पोस्ट मल्टीपर्पस कॉम्पोस्ट है, जिसमें रिवर सैंड, वर्मी कॉम्पोस्ट, नीम केक, बोन मील, एंटी फंगल्स एंड प्रॉम ग्रैनुअल्स भी यूज होती हैं, जिससे इस कॉम्पोस्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब देखते हैं जजेस के सामने Hebi Naturals की इस टीम का कॉम्पोस्ट का आइडिया कितनी ग्रीनरी फैलाता है। क्या लगता है, जजेस इस बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे? लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वी आर Hebi Naturals। Hebi Naturals एक कंपनी है जो 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाती है। मेरा नाम हर्ष है, मैं Hebi Naturals कंपनी में एज अ लीडर और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ। मेरा नाम ममता बिष्ट है और मैं कंपनी के इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखती हूँ और सोशल मीडिया हैंडल का संभालती हूँ। मेरा नाम नसरीन है, मैं मार्केट रिसर्च करती हूँ और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, और हम तीनों ही कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट इसलिए, अगर हमें नेचर को अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? प्लांट्स। और फिर हमने देखा कि प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक फाइनल कॉन्सेप्ट पे आया कि हम कंपोस्ट बनाएंगे। ये नाम Hebi Naturals, ये आपने कैसे सेलेक्ट किया? एक्चुअली हम जेन जी हैं, जनरेशन जेड। आई एम अ एनिमे वॉचर, आई एम अ ओताकू, ये एक जैपनीज टर्म है। तो ऐसे ही हेबी भी एक जैपनीज टर्म है, और फिर नेचुरल्स हमारे नेचर से आ गया। आपको 3,000 रुपए का सीड मनी मिला? यस सर। और प्रॉफिट कितना हुआ अभी तक? सर प्रॉफिट हमारा भी 12,000 का हो चुका है, सेल हमारी 20,000 की हो चुकी है। सो 3,000 रुपए के सीड मनी से जो आपको सरकार से मिला, आपने 20,000 रुपए की सेल अभी तक कर ली है? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। और ये बताइए कि कैसे बनाया कंपोस्ट, कहाँ बेचा? सबसे पहले हमने मार्केट रिसर्च की, नर्सरी जाकर वहाँ पे उनसे पूछा कि वो कितने में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और कंपोस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हमने वो सब जाना। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि ये तो हमारे पास पहले ही आता है, एक सप्लाई कर जाता है, कोई आपका क्यों नहीं? नहीं, उनका होता है ज्यादातर, वो काउडंक वाले ही बनाते हैं, तो हम जो बनाते हैं वो मल्टीपर्पज है। यस सर। आपके कंपोनेंट्स डिफरेंट? यस सर। और ये 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। 12वीं क्लास के बच्चे IIT की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, वैसे में हमारे 3 बच्चे बिजनेस की तैयारी करने लगते हैं, तो घर वालों ने मना नहीं किया? पेरेंट्स का रिएक्शन था क्या करोगे, पहले 12वीं में अच्छे नंबर लाओ,
फिर कॉलेज अच्छा मिलेगा तभी जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन जब जब प्रॉफिट हम बनाने लग गए तो पेरेंट्स का भी हुआ कि हाँ। तो इनका क्या प्राइसिंग है इस पैकेट का और उस पैकेट का? उस पैकेट का 60 रुपीज प्राइसिंग है और इस पैकेट का है 80 रुपीज। आपने इसकी मार्केटिंग कैसे की, कहाँ से मिले आपको ये इनिशियल कस्टमर्स? नेबर्स में बेचा था मेरा, तो मतलब RWA, तो उनको बोला कि हाँ आप एक बार ट्राई करके देखो, तो उन्हें लिया। हाँ, उनसे फीडबैक भी अच्छा मिला। बाहर और ज्यादा बड़ी सोसाइटीज हैं, उनको कवर करने के लिए जो फ्लावर सेलर्स होते हैं अपने जो कंपोस्ट के पैकेट्स थे, हमने उन्हें सप्लाई करा, वो हमारे लिए आगे जाके बेचते थे। अब इसको आगे ले जाने के लिए यस सर, आपका क्या प्लान है? हम नेक्स्ट 6 मंथ में 1000 kg प्रोड्यूस कर पाएं और उसे बेचें। 1000 kg बनाने के लिए आपको क्या चाहिए और 1000 kg के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो हमें स्पेस चाहिए, फिर हम बकेट्स लाएंगे और बकेट्स, ताकि हम ज़्यादा कंपोस्ट बनाएं। प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो लोग भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। जितना हो सके हमें लोगों को ऑफर करनी है जॉब, क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी बनेगी एनवायरमेंटलिस्ट की। जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारी वैसी कम्युनिटी से होने लगेगी। कि हमारे साथ में दोनों जो लोग बैठे हैं ये अपनी अपनी कंपनी भी चलाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका आइडिया पसंद आ रहा है। हम अभी यही कहना चाहेंगे कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और थोड़े टाइम बाद लाइक 6 मंथ्स के बाद जितनी हमारी कंपनी की वैल्यू होगी उसमें प्रो राटा लगा के जो भी आपके जो मार्जिन होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको ये फर्स्ट 1000 kg जो फर्स्ट टन है आपका टारगेट, यस सर, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अभी हमें 60,000 की कैपिटल चाहिए। क्या करेंगे इस इन्वेस्टमेंट का? इक्विपमेंट्स और हमारे जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, 6 मंथ्स के लिए हमने उसका 20,000 बजट रखा है। जो हमारा 15,000 है वो हमने इसकी प्रोडक्शन के लिए, 10,000 रुपीज हमने एमरजेंसी फंड के लिए रखा हुआ है, हमने 10,000 रुपीज हमने अपने पैकेजिंग के लिए रखा है, और हमने 5,000 हमने जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे स्पॉन्सर करनी है हमारे प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें वो। इन बिजनेस पर्पस ओवर प्रॉफिट, तो आई थिंक आपका पर्पस प्योर है और बड़ा है। आई एम कमिटिंग 30,000 रुपीज फॉर योर बिजनेस, एंड इसको बनाइए, इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। टीम हेवी नेचुरल, आपका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपको रिमेनिंग 30,000 रुपीज चाहिए, यस सर, वो एज अ ग्रांट हम आपको कमिट करते हैं। इसके सो मच सर। इसके अलावा मैं दो चीज़ें और चाहता हूँ। ये जो आपका प्रोडक्ट है, जो गिफ्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं एक एडवांस ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपने कंपनी में जो करीब 100 लोग हैं उनको पर्सनली ये गिफ्ट दें। तो 100 लोगों के लिए ये 100 गिफ्ट पैक्स का एडवांस ऑर्डर, जिसके लिए मुझे लगता है इसकी सही प्राइसिंग 99 रुपीज़ है, ना कि 70 रुपीज़ जो आप कर रहे हैं। तो एक 10,000 एडिशनल एक एडवांस ऑर्डर मैं आपको प्लेस करना चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू आर कंपनी। आप खुद ही अपने विजन के बारे में बताएं, अपने कम्युनिटी के बारे में बताएं। हम कोशिश करेंगे जो 100 लोग मिले वो ट्विटर पे इसके बारे में बात करें, इंस्टाग्राम पे ट्वीट करें, ताकि आपकी कंपनी को एक वायरलिटी का फैक्टर मिले। थैंक यू सो मच सर। और आपका क्या एस्टिमेट है कि ये 1000 kg इससे आपको कितना प्रॉफिट होगा? 6 मंथ्स के अंदर अगर हमारा 1 टन जो हमारा 1000 kg है अब वो पूरा सेल हो जाता है, तो हमारा टोटल जो रेवेन्यू होगा वो मोर देन 2 लाख होगा, और जो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा वो 1,20,000 के करीब का हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। यस सर, एंड देन आई एम श्योर उसके बाद आप इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको 100% इन्वेस्टमेंट मिल गया। यस सर। नौकरी देने वाला बनना, नौकरी ढूंढने वाला नहीं। सर, यही हमारा मोटिव है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बच्चों की मेहनत और दिल्ली सरकार के फ्यूचरिस्टिक विजन से ही ये 60,000 की इन्वेस्टमेंट और 10,000 का एडवांस ऑर्डर हेवी नेचुरल को मिल पाया है। और ये तो बस एक शुरुआत है कल के एंटरप्रेन्योर्स को आज से तैयार करने की। वो अभी तक हम शॉक में हैं कि हमें ये पैसा मिल रहा है, और हम अपने जो आइडिया है अब इसको जितना हो सके उतना बड़ा करके जो स्काई इज द लिमिट कोट है उसको सच करना है। आई थिंक दे विल बिकम अ पॉपुलर D2C ब्रांड्स इफ दे डू थिंग्स राइट। आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम,
जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। और अब देखते हैं तीसरी टीम का आइडिया कितना पावरफुल है और वो पहली दो टीम्स की तरह हमारे जजेस को इम्प्रेस कर पाएंगे या नहीं। ये है डिवाइन क्रिएशंस। हमारी टीम नंबर 3 लेकर आई है एक मेड टू ऑर्डर आर्ट बिजनेस। अपने ब्रश से जादू चलाने वाली दिव्यांशी और मिनी की हॉबी है पेंटिंग करना। मिनी मधुबनी आर्ट बनाती हैं और दिव्यांशी कलमकारी। और दिल्ली सरकार से मिले सीड मनी से इन्होंने अपनी कलाकारी को दी बिजनेस की उड़ान। इस टैलेंटेड डुओ के लिए पेंटिंग करना तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, पर उसे बिजनेस की तरह एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत थी। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया वो हफ्ते में एक दिन मार्केट जाके रिसर्च करेंगी और फिर बेसिक सामान खरीद के लाएंगी। सबसे पहले इन्होंने छोटी पेंटिंग बनाई ताकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ना लगे। जब छोटी पेंटिंग बिकने लगी तो डिवाइन क्रिएशंस ने शुरू किया बड़ी पेंटिंग्स बनाना। पहले शुरुआत हुई थी इनके अपने डिजाइन से, पर अब ये ऑर्डर बेस्ड पेंटिंग ही बनाते हैं। सीड मनी और अपनी क्रिएटिविटी से डिवाइन क्रिएशंस ने कमाल का बिजनेस क्रिएट किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उनकी क्रिएटिविटी को पंख लग सकते हैं और बिजनेस को मिल सकती है नई उड़ान। जय श्री कृष्णा पापा, चलती हूं, बाय। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ओके, तो आइए देखते हैं जजेस उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट की उड़ान देते हैं। हेलो एवरीवन, हम डिवाइन क्रिएशंस कंपनी से हैं। हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं अकाउंट्स मैनेज करती हूँ और कस्टमर मैनेजमेंट देखती हूँ। मेरा नाम मिनी है और मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ और मार्केटिंग करती हूँ और नए नए डिज़ाइन भी बनाती हूँ, और पेंटिंग बनाने का काम हम दोनों ही करते हैं। आपको जब ये पता चला कि दिल्ली सरकार सीड मनी दे रही है और हम अपना कोई बिजनेस आइडिया डेवलप कर सकते हैं, तो आप चुनते हैं कि हम अपने पेंटिंग्स बनाएंगे। डिवाइन गिफ्ट तो है आपको, पेंटिंग आपकी बहुत शानदार है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स आप लोग बनाते हो। तो वो इसलिए क्योंकि आपका शौक है, आपका टैलेंट है पेंटिंग बनाना, या इसलिए कि आपको लगता है मार्केट बहुत बड़ा है पेंटिंग? सर, शौक भी है, टैलेंट भी है, और दूसरी बात ये काम ऐसा है जो और भी लोग कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं इस काम में। और हम एक तरह से इंडियन आर्ट को भी बढ़ावा देना चाहते थे, जैसे ये अलग अलग स्टेट की पेंटिंग है, ये मधुबनी है, ये वर्ली है, जैसे ये बिहार की है, हाँ ये मधुबनी है। तो कितने में बेचते हैं आप इसको? सर ये 1500 की है, और ये वर्ली पेंटिंग है, वर्ली ट्राइब की, महाराष्ट्र की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको 2000 रुपये का सीड मनी मिला और करीब 2 महीना लगाया आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, कितना पैसा कमा लिया अब तक? अप्रॉक्स 30,000। तुम जादूगर हो क्या तुम? 2000 रुपए को 30,000 रुपए में बदल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। घर वालों ने क्या कहा? मम्मी वॉज ऑलवेज इन आर सपोर्ट। मेरे पापा हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे। उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी एक एंटरप्रेन्योर बनने जाएगी, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो यहाँ तक का काम आपका, आपको सपोर्ट करने का सरकार का था। अब अगर आप इसको अपने बिजनेस आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हो, तो हमारे दो बिजनेसमैन वुमेन दोनों यहाँ हैं, ये अपना अपना बिजनेस भी करते हैं और आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने इनको कन्विंस किया तो। सो इट्स अप टू यू नाउ। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा और कितना कॉस्ट लगा? वी कैन से 130 अराउंड 130 रुपीस। और क्या है आपका सेलिंग प्राइस इस पेंटिंग का? इट डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग एंड द साइज, तो इसका हम बोल सकते हैं 700 अराउंड। वाओ, सो काफी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है आपके। जी सर। और ये वाली? ये मधुबनी है, इसको बनाने में कम से कम 5 घंटे लगे हैं और इसका प्राइस 1500 है। वो सेलिंग प्राइस है और हमारी जितना 350 रुपीज अराउंड। आप दोनों तो अभी 12th में हैं, आप एक दिन में शायद एक या दो पेंटिंग्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स बनानी है, उसको स्केल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? ऐसी लेडीज़ को ढूंढेंगे जो हमारे साथ काम करने को तैयार हो और फिर उन्हें घर पे ही काम प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। कितनी महिलाओं को जोड़ सकते हैं इसमें?
मैम स्टार्टिंग में हमने 15-20 रखा है अभी। आप लोगों ने छांट लिया है कि वो 20 महिलाएं कौन होंगी? जी सर। तो ये डिवाइन क्रिएशन का आगे प्लान क्या है? हमें 50,000 चाहिए। क्या करेंगे उसका? जिन लेडीज़ को हम हायर करेंगे उन्हें सैलरी देंगे, फिर फ्लिपकार्ट से डील करेंगे तो वहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है। 1-2 महीने में हम 100 पेंटिंग्स तैयार करने का अपना रखेंगे। 20,000 में हमारे 100 फ्रेम्स आ जाएंगे और कलर्स एंड ऑल मिला के 25,000, ट्रेवलिंग एंड एडवर्टीजमेंट मिला के पूरे 30,000, और बाकी बचे जो 20,000 वो एमरजेंसी के लिए, और बाकी अभी हमने कर लिया कि इतना इतना करना है लेकिन आगे और लगता है तो 20,000 एक्स्ट्रा। बस ये 100 का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, इसको आगे एक बहुत बड़ी कंपनी में बदलना चाहते हैं। ये 100 का टारगेट पूरा करने तक हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाना चाहते हैं कि हम आगे जितने भी जो जॉब करेंगे हमारे अंडर उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उनको सेटिस्फेक्शन दे पाएँ। हम खुद भी इम्प्रूव करना चाहते हैं ये अप टू 100, इसीलिए हमने पहले 100 का टारगेट लेके चला है। और आपके साथ जो ये महिलाएं जुड़ेंगी इनको आप कैसे पे करेंगे? इनको आप पर पेंटिंग पे करेंगे या वो कैसे सोचा? पर पेंटिंग, हमारी पेंटिंग 15,000 में सोल्ड आउट हो रही है तो उनको 600-700 उनके मेहनत के हिसाब से। ऑन 1500? आई लव द फैक्ट दैट आप महिलाओं को काम देना चाहते हैं। दो चीज़ें, एक तो ये जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, मैं इसको कमिट कर रही हूँ ऑलरेडी। थैंक यू मैम। दूसरा, हमने अभी एक प्रॉपर्टी लॉन्च की है जिसका नाम है शॉप ऑन शीरोज। आप अपनी प्रोडक्ट्स को उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं एंड इट्स अ जीरो कमीशन प्रोडक्ट। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तो फुल इन्वेस्टमेंट एक ही इन्वेस्टर से मिल गया। थैंक यू सर। तो मेरी तरफ से मैं आपको दो चीज़ें ऑफर करना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें इसको रजिस्टर करना चाहिए। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में हम आपको सपोर्ट करेंगे और उसका जितना भी खर्चा होता है वो हम उठाएंगे। दूसरा, ओवर एंड अबव दिस 100, आप हमारे लिए एज अ कंपनी 50 पेंटिंग्स और बनाएं। 1500 सीम्स लाइक एन अप्रोप्रिएट प्राइस, तो तकरीबन 75,000 एडिशनल ये हो गया जो एक एडवांस ऑर्डर की तरह से हम आपको प्लेस करना चाहेंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड, तो आपको बिजनेस कोच भी मिल गए, ऑर्डर भी मिल गया, रजिस्ट्रेशन में लीगल मदद भी मिल गई और जितनी फंडिंग आपको चाहिए थी उतनी फंडिंग भी मिल गई, ऑनलाइन आउटरीच के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जब मैं 9th 10th में थी मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, वो भी इन पेंटिंग्स के साथ। तो EMC की वजह से ये बहुत अच्छा हुआ है और आज मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपनी बुक्स, अपनी स्टडीज़ का सारा खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। जजेस को अपने आइडिया से इम्प्रेस करके 50,000 की इन्वेस्टमेंट और 75,000 का एडवांस ऑर्डर मिला डिवाइन क्रिएशंस को। गुड लक गर्ल्स। माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू आवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड बोथ द जजेस कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट दी, प्लस अधिराज सर को एक बार और थैंक यू क्योंकि उन्होंने हमें टोटल 50 पेंटिंग्स का ऑर्डर दिया है। तो अब वी आर टोटली बूस्ट अप एंड एनर्जेटिक कि हम और लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हुए अपने बिजनेस को स्टैंड करेंगे और सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। Divine Creations very close to my heart. They're working with women, they're doing art, and it looks like a business that may not scale at first. It may also looks like a business that may not be profitable, but guess what? They're both, and they're so invested in it. It's a business with a heart. When I think of Divine Creations, I think of companies like The Body Shop, which started as small little hobby businesses and then became something, you know, massive. So what's not to love? सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि आप लोग इस एज में समाज के आसपास की समस्याओं को समझ रहे हो, मार्केट की नीड्स को समझ रहे हो, सोसाइटी की नीड्स को समझ रहे हो, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं बेरोजगार बैठी हुई हैं पढ़ी लिखी टैलेंटेड, उसको समझ रहे हो, तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो और अपने पैशन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने जुनून का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही सरकार को समझ में आता है कि जब देश के सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होने लगेंगे, देश के सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर होने लगेंगे, तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। सर, आपके बिहाफ पे मैं देश भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अब बस कुछ समय की बात है, अपना इन्वेस्टमेंट तैयार करके रखिए। बड़े बड़े छोटे छोटे बिजनेस ब्लास्टर आ रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। यस सर। गुड, प्राउड ऑफ यू। बिजनेस ब्लास्टर्स के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स की ये तो सिर्फ एक झलक भर थी। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से हमने ऐसे कई हीरे ढूंढ निकाले हैं जिन्हें तराशने का काम शुरू हो चुका है।
और बिजनेस ब्लास्टर्स के जरिए हम उन्हें शाइन करने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, ताकि उनका और उनके बिजनेस आइडियाज का फ्यूचर भी ब्राइट हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिनमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज़।